नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में अब पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। मंदसौर में भी एक ट्रैक्टर रैली निकालकर इसका विरोध दर्ज कराया गया। केंद्र सरकार के कृषि बिल और मुआवजे की मांग को लेकर मालवा किसान संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर रैली का आयोजन मंदसौर के पिपलिया मंडी से शुरू हुआ। 20 किलोमीटर दूर मुख्यालय तक किसान ट्रैक्टरों के साथ रैली के साथ प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। किसानों ने मांगे न मानने पर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए 2017 में पिपलिया मंडी में हुए किसान आंदोलन को दोहराने की चेतावनी दी है। ये चाहते हैं कि हमें बीमा राशि और मुआवजा राशि तुरंत दी जावे, और दूसरा जो किसान विरोधी जो काला कानून भारत सरकार ने बनाया है इसको वापस लिया जाए। किसान विरोधी जो अध्यादेश लाई है गवर्नमेंट, इसको लेकर हमने पिपलिया मंडी से मंदसौर तक किसान ट्रैक्टर द्वारा किसान रैली निकाली गई और जिला मोदी जी को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मूलतः जो तीन कानून पास हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह, उसका उन्होंने सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज किया है और राष्ट्रपति महोदय के नाम का ज्ञापन पेश किया है, जिसको हम लोग यहाँ से भेज देंगे जो नियमों के अनुरूप भेज देंगे।